तो सबसे पहले आप सभी लोगों को नमस्कार, है ना जी। मोस्ट प्रोबेबली आप लोग अच्छे होंगे, क्योंकि कल रात में ही मैंने निफ्टी के लेवल दे दिए थे कि अगर निफ्टी ने यहां से थोड़ा सा अपने आप को रिटेन करने की कोशिश की तो ये वही लेवल है जहां पे निफ्टी रिटेन हो सकता है। इसके अलावा मार्केट में कोई लेवल नहीं था। पहली बात तो ये समझिएगा, अभी उसको भी डिस्कस करेंगे कि क्यों ये लेवल था, पहली बात। दूसरी बात हम लोग जानने की कोशिश करेंगे कि अभी जो है आपका मंथली चार्ट, वीकली चार्ट, डेली चार्ट इंडेक्स का क्या कह रहा है। आज लंबे टाइम फ्रेम के, बड़े टाइम फ्रेम की एनालिसिस करेंगे। दूसरी बात थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे कि अभी हमको मार्केट में क्या करना है और किस तरीके से मार्केट की एवरेज परसेंटाइल इस तरीके से काम करे। मैं बड़े देर से सोच रहा था, अभी मैं नियर अबाउट 5:30-6 बजे के करीब मैं घर आया हूँ। मैं सोचा कि चलिए एक बार थोड़ा सा लोगों से आधे घंटे ही बात कर लीजिए, जितने भी लोग भी मिल जाएंगे आधे घंटे ही बात कर लीजिए, लेकिन कर लिया क्योंकि मार्केट बड़ी ही क्रूशियल पॉइंट पे है इस टाइम, और वहां पर लोगों को थोड़ा सा हाथ पकड़ना ज्यादा जरूरी है, ना कि हमेशा कॉल पुट, ये स्टॉक वो स्टॉक। एक बार थोड़ा सा मार्केट का डेप्थ देना कि अभी मार्केट वास्तव में चाह क्या रहा है, वो ज्यादा जरूरी है। क्योंकि मार्केट में कुछ भी काम नहीं करता है, मार्केट में आपकी एनालिसिस, जितनी बेटर आपकी एनालिसिस है उतना बेटर आपका ट्रेड है। मैंने आप लोगों से कल बोला भी था कि मेरे पास फ्यूचर के कुछ लॉट्स हैं जहां पे मैंने अपना ट्रेड बनाया हुआ है, और नो डाउट आज वो अच्छा चल रहा है। अच्छा इसलिए चल रहा है क्योंकि जाते आते मैंने पुट में कुछ पोजिशन बढ़ाई थी। पुट में पोजिशन बढ़ाने का मतलब क्या, मान लीजिए आपने 10 लॉट फ्यूचर लिया है और आपने उसको हेज कर लिया, 10 लॉट फ्यूचर को आपने हेज कर लिया। अब उस हेजिंग में क्या हुआ कि आपको लग रहा है कि कल मार्केट थोड़ा सा गैप डाउन ओपन होगा, तो आपने 10 लॉट की जगह 15 लॉट फ्यूचर बाय कर, 15 लॉट पुट बाय कर लिया। तो मार्केट जो आज गैप डाउन हुआ, तो उस 15 लॉट ने 10 की जगह पे 15 लॉट मान लीजिए हो गया, 5 की जगह पे आपने 8 लॉट कर लिए। तो जो लॉट साइज को जो आपने इंक्रीज किया, जितना एक्सेस इंक्रीज किया है, उसने आपको आपका प्रॉफिट दिया। और प्लस जिस लेवल से मैंने बोला था कि मार्केट यहां से ऊपर उठ सकता है, मार्केट अभी उसको हम लोग चार्ट पे डिस्कस करेंगे कि मार्केट यहां से ऊपर उठ सकता है वहां पर, उसके बाद उसको निकाल के जब मार्केट ऊपर चलने लगा तो अपना फिर से वो अपना उस पोजीशन में आ गया। तो मिला जुला के अभी नो प्रॉफिट नो लॉस वाली सिचुएशन चल रही है ना, मिला जुला के अभी नो प्रॉफिट। इंट्राडे का थोड़ा सा एक छोटा सा ट्रेड था जो मैंने आपको कल ही बता दिया था कि अगर यहां पर आप नजर रखिए, अगर यहां से मार्केट बैक होता है तो आपका फर्स्ट क्लास इंट्राडे में ट्रेड बनेगा, है ना साहब, फर्स्ट क्लास इंट्राडे में आपका ट्रेड बनेगा। ठीक है जी, तो एक चीज ये हो गई। तो थोड़ा सा चीजों को समझने का प्रयास करेंगे कि किस तरीके से चीजें चल रही हैं मार्केट में, और प्रयास के साथ साथ थोड़ा सा ये भी प्रयास रहेगा कि आप किस तरीके से चीजों को लेकर चलेंगे, है ना, किस तरीके से चीजों को लेकर आप चलेंगे। ठीक है साहब, तो ये दो चीजें हो गई, और आइए चार्ट पे चलते हैं, थोड़ा सा देखते हैं। क्योंकि बताना जरूरी है, नहीं बताया जाएगा तो मार्केट में थोड़ा सा आपको दिक्कत होगी, है ना। तो यहां से वीडियो आप करते हैं, चलते हैं चार्ट पे, सिंपल निफ्टी के चार्ट पे चलते हैं। तो निफ्टी के चार्ट पे चलने से पहले मैं आपको वो पोस्ट दिखा देता हूं जो कल मैंने की थी, है ना। तो मैंने आपको क्या बोला था कल रात में कि टुमारो निफ्टी 1 hour 200 EMA मींस 21,400 का लेवल जो है विल बी इंपॉर्टेंट पॉइंट। मैंने आपको सिंपल ये चीज आज के लिए बोल दी थी कि भैया अगर आपका ट्रेड बनेगा तो यही ट्रेड बनेगा, नहीं तो कोई ट्रेड नहीं बनेगा, या फिर मार्केट अगर नीचे आना शुरू करेगा तो फिर हम देखेंगे। मैंने आपको टेलीग्राम पे क्लियर लिख दिया था, और सवेरे मैंने आपको थोड़ा सा, मेरे को देर हो गया लिखने में, लेकिन जिन लोगों ने इसका थोड़ा सा भी फॉलो किया होगा वो लोग आज पक्के रूप से प्रॉफिट लेके निकले होंगे। अगर किसी ने किया तो वो भी बता सकता है कि हाँ मैंने प्रॉफिट किया, हाँ मैंने लॉस किया। तो मैंने आपको यहाँ पर बता दिया, आज सवेरे भी मैंने आपको नियर अबाउट 11:04 पे, मैंने आपको रात में दिया था नियर अबाउट 3:11 पे दिया था। सोचिए 3:11 पर मैंने आपको दिया है ये लेवल, आप सवेरे उठे होंगे तो आपको मिल गया होगा। दूसरी बात ये, यहां पर आपको ये
मिल गया, ठीक है साहब। अब इसको थोड़ा सा चार्ट पर देखने की कोशिश करेंगे कि ऐसा ही क्यों दिया गया। तो सबसे पहले इसकी डिस्कशन कर लेते हैं, फिर आएंगे बड़े चार्ट पे कि अभी हमको मार्केट में क्या करना चाहिए। तो 1 घंटे पर आइए, बगल में बैंक निफ्टी भी खोल लेते हैं, बैंक निफ्टी भी खोल के चलते हैं सर, है ना, बगल में बैंक निफ्टी भी खोल लेते हैं। तो ये रहा बैंक निफ्टी का चार्ट, सारा सब कुछ यहाँ से डिलीट कर देंगे, रिमूव ड्राइंग कर देंगे, लेवल थोड़ा सा यहाँ पे खींचने की हम लोग पहले निफ्टी को समझते हैं, फिर बैंक निफ्टी को समझते हैं, फिर कोशिश किया जाए कुछ स्टॉक्स भी देखा जाए, अगर आप लोग का कुछ स्टॉक्स में पोर्टफोलियो का ऐसा कुछ चल रहा हो तो वो सब भी देख लेंगे। तो मैंने आपको क्या बोला था कल, जो जिस हिसाब से निफ्टी में मामला चल रहा था उस हिसाब से मैंने आपको क्या बोला था कि 21,400 का लेवल आपको देखना है, 21,400 का लेवल आपको देखना है कि मार्केट यहाँ पर आके जा करता है। तो ये रहा आपका, अगर मैं यहाँ पर एक लाइन खींचने की कोशिश करूँ तो 21,400 का लेवल यही है आपका, 21,393,400 यही लेवल है आपका, मैं इसको ब्लैक से मार कर देता हूँ। समझिएगा सर, एनालिसिस को समझिएगा, मैं आपको कोई टिप्स नहीं दे रहा हूँ, एनालिसिस को समझिएगा कि ये एनालिसिस क्यों की जा रही है और ये एनालिसिस इम्पॉर्टेंट क्यों है, ये बात समझने की कोशिश कीजिएगा, है ना जनाब। तो ये हो गया, अब मार्केट आज गैप डाउन खुला, आपको आज के मार्केट में कुछ भी नहीं करना था, केवल इस लेवल के सस्टेन होने का वेट करना था, केवल और केवल 1 घंटे के चार्ट पे, 1 आवर के चार्ट पे इस लेवल के सस्टेन होने का वेट करना था। क्यों वेट करना था, क्योंकि ये नीचे गिरा मैं देख रहा था, जब ये मार्केट खुला तो मैं देख रहा था, मैं घर पे नहीं था लेकिन मैं बाहर ही था, लेकिन मैं देख रहा था मार्केट खुला और बैक हो गया। बैक होने का मतलब ये है कि इस कैंडल ने, रेड वाली कैंडल ने महाराज आपको ये बात कंफर्म कर दी कि मार्केट नीचे जाने के मूड में नहीं है। ये मैं आपसे कोई इंट्राडे की मैं डिस्कशन नहीं कर रहा हूँ, कोई स्विंग की डिस्कशन नहीं कर रहा हूँ, केवल और केवल मैं चार्ट एनालिसिस की बात कर रहा हूँ, केवल और केवल चार्ट एनालिसिस की मैं बात कर रहा हूं कि कोई इसमें ऐसा कुछ नहीं था। यहां पर सस्टेन करना शुरू हुआ मार्केट, फटाक से यहां पर आपकी पोजीशन थी और जहां पर आप चाहते हैं अपना, अपनी इच्छा अनुसार, अपने इमोशन के अनुसार, अपने टेक्निकल के अनुसार आप अपना प्रॉफिट बुक कर लेते, सिंपल। इसमें कुछ था ही नहीं, कुछ भी नहीं था। इतनी बड़ी गिरावट में भी कल से मार्केट आज तक काफी ज्यादा गिर, 400 पॉइंट का कल, फिर आप 400 पॉइंट से 2,700, 21,800 से लेके आप ये यहाँ तक पकड़ लो, 21,200, 600 पॉइंट गए टोटली तो आपका हो गया, है ना। तो कहीं पर भी ऐसा कुछ नहीं था जो मार्केट में आपको कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट लगाना पड़े। मार्केट बुलिश हो, मार्केट बियरिश हो, पैसा बनता ही बनता है, पैसा महाराज बनता ही बनता है, बशर्ते आपको बनाने आना चाहिए, पैसा बनता ही बनता है ना साहब। तो ये चीज हो गई, अब आएंगे थोड़ा सा वीकली, मंथली और डेली चार्ट की कैलकुलेशन करेंगे कि कहां पे अभी मामला गरम है और कहां पे मामला अभी नरम है, है ना, इस चीज को भी देखने की कोशिश करेंगे। और एक मिनट, चलिए तो ये चीज, तो सबसे पहले अब आते हैं आपके मंथली चार्ट पे, मंथ चार्ट में अभी क्या चल रहा है। मन चार्ट में जो चल रहा है जनाब वो ये चल रहा है कि थोड़ा सा यहां पर आप आके देखिए, ये रहा आपका मंथली चार्ट, इसका जो सपोर्ट मोटा मोटा जो निकल के आ रहा है सपोर्ट, वो नियर अबाउट मंथली चार्ट का सपोर्ट 15,000 के आसपास है। और अगर आप दूसरे सपोर्ट की बात करेंगे मंथली चार्ट का सपोर्ट, एक आपका यहाँ है, एक आपका यहाँ पर सपोर्ट है, ये मार्केट के इंपॉर्टेंट लेवल है मंथली चार्ट के हिसाब से। और एक और जो आप मान सकते हो वो यहाँ है 20,121 या 20,150 के आसपास, ये मंथली चार्ट का सपोर्ट बन रहा है। एक बात हमेशा ध्यान रखिए कि कोई भी मंथली कैंडल हो, कोई भी मंथली कैंडल हो, मंथली कैंडल का विक और बॉडी दोनों ही आपका सपोर्ट और रेजिस्टेंस का
काम करते हैं, मंथली का इसका वीक और बॉडी दोनों ही, है ना। तो ये बात आप हमेशा ध्यान रखिएगा, बिना ध्यान रखे इस पे मामला आपका चलना नहीं है, ना। ये हो गया मंथली चार्ट। मंथली चार्ट में भी RSI 14 आज मैंने यहाँ पे लगा के रखा है, RSI 14 को देखेंगे तो मंथली चार्ट में RSI 14 ठीक है, थोड़ी सी यहाँ पे गिरावट हो सकती है और थोड़ी सी, लेकिन जिस तरीके से मार्केट ने आज अपने आप को रिकवर किया है वो भी मुझे दिख नहीं रही है, लेकिन फिर भी मैं एक एजम्पशन लगा के चल रहा हूँ कि हो सकता है थोड़ा सा गिरावट यहां तक हो। ए आपका 21,300 के आसपास अभी भी मैं मार्केट को थोड़ा सा मैं देख रहा हूँ, क्योंकि ये मार्केट का पुल बैक है, पुल बैक लेने के बाद ही चलेगा। आप यहाँ पर भी देखो सेम चीज यहाँ पर है, आप यहाँ पर भी देखो सेम चीज यहाँ पर है, तो आपको प्रो डेटा बेसिस पे मार्केट को देखना पड़ेगा। तो ये रहा मंथली चार्ट, मंथली चार्ट के हिसाब से आपके लेवल यहाँ पर आ गए। अब थोड़ा सा वीकली पर जाएंगे कि वीकली में क्या चल रहा है। वीकली में आप देखोगे कि RSI जो है वॉल्यूम के सपोर्ट पे है, ये वीकली में आप देखोगे RSI जो है वॉल्यूम के सपोर्ट पे है, और कहीं ना कहीं ये इसी लेवल से वापस हुआ है, ये इसी लेवल से वापस हुआ है। वीकली में आके आपको इसको थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ेगा, मैंने कोई एडजस्टमेंट नहीं किया, आपके सामने रॉ तरीके से मैंने इसको खींच दिया है, आप देख लो यहाँ पर ये काम धाम इसका चल रहा है, ठीक है। तो अगर वीकली के हिसाब से हम देखेंगे तो यहाँ पर मेरा ये थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ेगा, 20,300 का जो हमारा लेवल है अभी जो मैंने आपसे बात की, ये हमारा एक वीकली चार्ट पे मोटा मोटा सपोर्ट निकल के आ रहा है, तगड़ा सपोर्ट है, तगड़ा सपोर्ट है। इन केस आने वाले टाइम में अगर मार्केट नीचे आता है तो, इन केस आने वाले टाइम में अगर मार्केट नीचे जाता है तो, अगर नहीं आता तो सो फार सो गुड। डेली में आके देख लीजिए और कल के भी लेवल देख लेंगे कि निफ्टी में कल का लेवल क्या बन रहा है। डेली में अब इसने 20 के नीचे की क्लोजिंग दी है, 20 के नीचे। अब देखिए ये जो मैंने जो कैंडल को, सॉरी जो ये मैंने लाइन एडजस्ट किए, इसको मैं ब्लू कलर से मार्क कर देता हूँ या ग्रीन कलर से मार्क कर देता हूँ, ये जो सॉरी ये वाला मार्किंग करना था, चलो इसको इससे कर देते। ये वाली जो मैंने मार्क की है लाइन, आप देख रहे हो जिस तरीके से लेवल वर्क कर रहा है, ये डेली में आवरली में आके अपने आप ये एडजस्ट हुआ है, अपने आप ये एडजस्ट होगा आवरली में आके। तो इस बात को समझिएगा कि बड़े टाइम फ्रेम से लेवल लेके छोटे टाइम फ्रेम पर ले आके एडजस्ट करना ही मार्केट का एक और बहुत बड़ा सीख है, एक और बहुत तरीके का ज्ञान है, एक और बहुत तरीके की चीज है जिसको आपको समझना पड़ेगा, है ना साहब। तो ये हो गया। तो अभी हम लोग क्या देखेंगे, अब डेली के हिसाब से जो लोग इंट्राडे के महारथी हैं तो डेली के हिसाब से चार्ट से देखें तो हमारे पास दो लेवल यहाँ पे निकल के आ रहे हैं। एक तो ये घंटे भर वाला लेवल हो गया, घंटे का 200 का मूविंग एवरेज, एक एक जो आपका हो गया क्या कहते हैं अपना डेली का आपका हो गया 50 का एवरेज, एक एवरेज आप और यहाँ पे लेके चलो एक, ये तीन लाइनें जो हैं इसको इसमें मैं नाम भी डाल देता हूँ, ये है आपका डेली 20, डेली 20, ठीक है जी। इसको आपने डेली 20 कर दिया, इसको आप यहाँ पे ले आके सेट कर दो, और एक आप यहाँ पे कर लो आवरली 200, आवरली 200, ठीक है जी। एक ये कर लो आप, और इसको एक आप कर लो डेली 50, या हल्ला मत कीजिए डेली 50, ठीक है साहब। ये तीन लेवल आपके पास आ गए, ये तीन लेवल आपके इंट्राडे के ये तीन लेवल हैं। इसके बाद मार्केट कहीं पर भी जाए फिर देखा जाएगा, ये इंट्राडे में आपको इन्हीं तीन लेवल के बेसिस पे प्ले आउट करना है। अब आप आवरली पर आ जाइए, आवरली पर सिंपल सिंपल एक लेवल आपका हुआ और निकलेगा जो डेली 20 है, ये यहाँ पर आसपास हो रहे हो, देखिए यहाँ पे क्रॉस ओवर भी हो रहा है, तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि यहाँ क्रॉस ओवर हो रहा है, और इस क्रॉसओवर के पास जब मार्केट जाएगा तो यहाँ पे मार्केट साइडवेज होगा। इस क्रॉसओवर के बाद जब मार्केट ऊपर निकलना चालू करेगा ना, तो यहाँ पे मार्केट आपका जाके साइडवेज होने की कोशिश करेगा, क्योंकि मार्केट आ रहा है बुलिश फॉर्म में, फॉरवर्डिंग चार्ट पे बुलिश फॉर्म में आ रहा है मार्केट, और कल या तो स्लाइड आपका स्लाइड आपका ये क्या कहते हैं
उसको क्या बोलते हैं, फ्लैट ओपनिंग है या तो गैप अप ओपनिंग है। कल अभी जो डेटा बता रहा है वो यही बता रहा है, या तो स्लाइट ओपनिंग है या तो गैप अप ओपनिंग है कल के लिए, है ना। तो ये बात ध्यान रखिएगा, यहां पर मार्केट जाएगा तो यहां पर मार्केट के पास दो चांस है, या तो सुपर कैंडल से निकलेगा या तो यहाँ पे साइडवेज होके निकलेगा। दो चांसेस ज्यादा हैं, तीसरे में अगर आपका यहां से आराम से जाके निकलता है तो एक अलग की बात होगी। इस टाइप की जगहों पे मार्केट हमेशा सुपर कैंडल या गैप अप से, सुपर कैंडल मतलब गैप अप, या तो कोई ऐसी कैंडल जो एकदम तड़तड़ तड़तड़ ऊपर की तरफ चलती आएगी और फटाक से तोड़ के निकल जाएगी, वो हो गई सुपर कैंडल या गैप अप। तो यहां पर अपने पास ये मामला बन रहा है। 15 मिनट का भी चार्ट आके या 30 मिनट का भी चार्ट आके देख लेते हैं, तो 15 और 30 मिनट के भी चार्ट पे आप देखेंगे जो आवरली की 200 थी, सिंपल वही लाइन है, सिंपल वही लाइन है, कुछ है ही नहीं इसमें, आपको इसमें कुछ करना ही नहीं था। आया है मार्केट 20 के पास जाने की कोशिश किया, अब ये जब नहीं कोशिश करके साइडवेज हुआ तो 20 इसके पास आने की कोशिश कर रही है, तो सिंपल सी बात है आपका यहाँ पे ट्रायंगल पैटर्न बनना चालू हो चुका है। तो अब यहाँ पर आपके पास क्या है, जो ट्रेंड लाइन होती है वो भी एवरेज ही है, ट्रेंड लाइन देखिए ये भी आपकी ट्रेंड लाइन है। अब मार्केट यहाँ पर आके या तो इसके पास ऊपर निकलने के चांस है, यहाँ पर यहाँ आके नीचे, तो ये आपके हो गए इंट्राडे के लेवल। इंट्राडे के लेवल में आप कहाँ से कहाँ तक प्ले आउट करोगे, इंट्राडे के लेवल पे सिंपल सिंपल सी बात है, एक यहाँ पर आपका सपोर्ट और दो सपोर्ट, दूसरा सपोर्ट है डेली 50 के पास के ही आसपास का है। अगर कल मार्केट यहाँ से नीचे निकलता हम मार्केट में तब तक ट्रेड नहीं करेंगे जब तक मार्केट इसके नीचे ना आए, और कल गैप अप है और कल 15 मिनट या 30 मिनट के चार्ट पे अगर ये निकलता है तो आराम से यहाँ पे ट्रेड बनाया जा सकता है, बहुत ही आराम से बिना किसी दुख या दुविधा के यहाँ पे ट्रेड बनेगा, ठीक है जी। ये आपका हो गया। अब आइए आते हैं बैंक निफ्टी पे। बैंक निफ्टी का सबसे पहले मंथली चार्ट देखेंगे। बैंक निफ्टी में भी मंथली चार्ट का वही बना हुआ है कि बैंक निफ्टी मुझे निफ्टी से थोड़ी सी वीक लग रही है। आप यहाँ पे देखो RSI 14, बैंक निफ्टी मुझे निफ्टी से थोड़ी सी वीक पोजीशन पे लग रही है, लेकिन अगर सब कुछ सही रहेगा तो ये भी निकलना ही चाहेगी। तो अभी अगर मंथली पर अगर आप बैंक निफ्टी का एक थोड़ा सा अगर आप लेवल मार्क करना चाहोगे तो आपका पहला तो लेवल आपका ये बनेगा, पहला आपका लगभग लगभग ये बनेगा, एक 20 की मूविंग एवरेज का भी मार्क कर देते हैं ये बन जाएगा, और एक लेवल आपका ये है, एक तो ये लेवल है जहां से आपका ब्रेकआउट हुआ है और इस कैंडल का हाई लो, क्योंकि अभी आप अगर कैंडल स्टिक आप जानते होगे तो ये है आपका इनगल्फिंग पैटर्न बन रहा है। इनगल्फिंग मतलब एक कैंडल ने दूसरे कैंडल को इनगल्फ किया हुआ है, दूसरी कैंडल जो बन रही है उसके कैंडल के अंदर बन रही है, पहला एक चीज तो ये हो गया। दूसरी चीज आ जाइए वीकली चार्ट पे, थोड़े बहुत लेवल वीकली पर भी थोड़ा सा निकल के आ जाएंगे, वीकली चार्ट पर भी ठीक है। वीकली चार्ट पे देखिए बैंक निफ्टी आपका 20 के पास है, आप देख लीजिए वीकली चार्ट पे 45,386 का जो ये वाला लेवल है ये इंपॉर्टेंट लेवल है बैंक निफ्टी का। अब इसने अपने आप को एवरेज कर लिया है या नहीं किया है ये कल पता लग जाएगा, क्योंकि अभी RSI के हिसाब से ऊपर वाला चार्ट जो है उतना प्रॉपरली प्रपोर्शन में नहीं आया है। जो यहाँ पे RSI 14 दिखा रही है उसके हिसाब से इस चार्ट का प्रपोर्शन जो है वो गड़बड़ है, नीचे की RSI के हिसाब से ऊपर के चार्ट का प्रपोर्शन अभी गड़बड़ है। प्रपोर्शन गड़बड़ मतलब क्या है, एवरेज परसेंटाइल डिसबैलेंस है। वीकली का हो गया तो यहाँ पर भी आपको मोटा मोटा कुछ दिखाई दे रहा है बैंक निफ्टी में। अब यहाँ पर देखिए गैप है, यहाँ पर एक गैप है बैंक निफ्टी में, वो गैप आपका थोड़ा बहुत निफ्टी में भी है। एक बार यहां पर आके देखिएगा वीकली चार्ट में था नहीं, डेली में मैंने देखा था, डेली गैप दूर है, अभी गैप तो है लेकिन दूर है ना। तो आइए इधर, तो यहां पर एक गैप है, ये गैप भी इसके लिए एक तरीके से एक जोन का काम करेगा। अभी गैप को अगर हम लोग मार्क भी करना चाहें तो थोड़ा सा मार्क करके देखिए, ये वाला गैप, इस गैप को बस यहां पे करके देखिए, है ना। तो इतना बस जान लीजिए कि ये 20 के सपोर्ट पे है, इतना बस जान के रखिए अभी यहां पे। अब आ जाइए डेली में, डेली में भी वही गैप आपका सस्टेन कर रहा है, अगर इसको थोड़ा सा हम लोग एडजस्ट कर देंगे यहाँ पे, यही गैप है और इसी गैप के पास से ये मुड़ा हुआ है ना। कैंडल टू कैंडल कर लीजिए, विक टू विक कर लीजिए, या बॉडी टू बॉडी कर लीजिए, जैसे इस कैंडल का ये बॉडी है, इस कैंडल का इस बॉडी से मिला दीजिए, इस वाली का यहां से, तो इसी में से ये
हुआ है। अब क्या कहते हैं कि ये जोन जो हुआ ना सर, ये वाला जो जोन हुआ ये आपका FII-DII का जोन हुआ। अब जो होना होगा यहीं से होगा, और इसी जोन के नीचे आपकी 200 की मूविंग एवरेज है बैंक निफ्टी के डे चार्ट में, इसी जोन के जस्ट नीचे। इस बात को समझिएगा, कोई आपको ये सब नहीं बताना चाहता है या कोई आपको ये सब नहीं बताएगा जिस लेवल पे मैं आपको यहां पर एक एक जोन में खींच के बता रहा हूं। और मजे की बात क्या है, इसका ये डेंस जोन में पड़ा हुआ है, चाहे निफ्टी हो चाहे बैंक निफ्टी हो, है ना। तो इस चीज को अपने सामने देख लीजिए, समझ लीजिए। इंट्राडे की ट्रेडिंग टेक्निक अलग रहेगी। इंट्राडे में आपने इतने सब सारे लेवल खोज लिए, अब सिंपल सिंपल वन, अभी इतने सारे लेवल आपको समझ में आ गए कभी क्या चला, तो इन सारों को हटा देते हैं। अब आते हैं हम इंट्राडे में क्या करेंगे, तो आज का जो बैंक निफ्टी का जो आज का लो लगा है, जो लो लगा है आपका है नियर अबाउट 45,430, 45,430 या 45,450 अगर आप रख लीजिए, ये एक तरीके से रेजिस्टेंस का काम करेगा, और ये जोन मार्केट को साइडवेज भी रखने का काम कर सकता है। तो आ जाइए आवरली चार्ट पे, आवरली चार्ट पे लेवल हम लोग निकाल के देख लेते हैं। संजोग से देखेंगे तो आवरली चार्ट भी इसी पर ही धक्के खा रहा है, आवरली चार्ट भी इसी पर ही। इंडिकेटर कहाँ गए सारे इस पे, एक मिनट, RSI, ठीक है जी, RSI लग गया और इसके ये लग गया, है ना। आवरली चार्ट भी इसी जोन के आसपास ही रख के खा रहा है, इसी जोन के आसपास। दूसरा वाला क्यों नहीं आया भैया इसमें, आइए। आवरली चार्ट भी इसी जोन के आसपास चल रहा है, तो अभी क्या, अभी क्या, जाहिर सी बात है ये वाला जो पार्ट होगा, ये वाला जो पार्ट होगा ये बेहतर रेजिस्टेंस का काम करेगा, ये वाला पार्ट। तो अगर कल हम लोग बैंक निफ्टी में ट्रेड करना चाहते तो सबसे पहले आवरली चार्ट में इस 5 की मूविंग एवरेज के ऊपर हमको क्लोजर मिलना चाहिए, तब हम बुलिश होंगे। और कहां तक का ट्रेड करेंगे, इस 20 की मूविंग एवरेज का ट्रेड, क्योंकि कल मार्केट खुलेगा तो ये और नजदीक आ जाएगी, तो जब ये और नजदीक आएगी तो यहाँ पे ये रेजिस्टेंस का काम करेगी, ये यहाँ पे रेजिस्टेंस का काम करेगी, ठीक है जनाब। ये हो गया, अब आ जाइए 30 मिनट के चार्ट पे, थोड़ा सा समझिएगा इसको 30 मिनट के भी चार्ट पे। 30 मिनट के चार्ट पे बैंक निफ्टी क्या बोल रही है, 30 मिनट के चार्ट पे बोल रही है कि एवरेज परसेंटाइल 30 मिनट का नियर अबाउट बैलेंस फॉर्म में चल रहा है, और यहाँ पर देखिए आपका एक फ्लूइड ने आपको यहाँ पर एक सपोर्ट भी प्रोवाइड कर दिया है। तो कल हम लोग यहाँ पर अगर ट्रेड करना चाहते हैं तो कल हम लोग 20 के ऊपर ट्रेड करेंगे और यहां तक जाएंगे, यहां तक का प्लान कर सकते हैं। ये वाला जो लेवल है आपका है 46,750 का, ये वाला लेवल हम लोग प्लान कर सकते हैं, पहली बात तो ये। दूसरी बात, अगर और छोटे टाइम फ्रेम पे जाके अगर देख लें तो वास्तव में हमारी एंट्री क्लियर एंट्री कहाँ बनेगी, क्लियर एंट्री यही बता रहा है कि क्लियर एंट्री कल 50 की मूविंग, अगर मार्केट फ्लैट खुलता है और ऊपर जाने की कोशिश करता है तो 20 से 50, 50 से 200, 3 लेवल आपके बनेंगे। एक ये लेवल हो गया, एक ये लेवल होगा, दो लेवल के लिए हम लोग आने वाले टाइम में 47,200 और 46,250, 46,250 इस लेवल से अगर मार्केट सपोर्ट लेके निकलता है तब। अभी तक क्या है, अभी तक मामला कल जो खुलने का जो मामला है, अभी तक ये बुलिश चल रहा है, अभी तक ये बुलिश चल रहा है। अब आ जाते हैं कैश में, ये हो गया निफ्टी और बैंक निफ्टी इंडेक्स का आपका हो गया वीकली, डेली और मंथली एनालिसिस प्लस इंट्राडे लेवल्स, इंट्राडे का लेवल हो गया, है ना। ये आपका ये टॉपिक हो गया कवर, पहली बात। दूसरी बात, अब आ जाते हैं स्टॉक्स में कि स्टॉक्स की परफॉर्मेंस आज कैसी रही, स्टॉक्स की परफॉर्मेंस आज कैसी रही। तो नो डाउट स्टॉक की परफॉर्मेंस बहुत ही, ये क्या कहते हैं कि ओके, ठीक है। तो अगर मैं आज का बताऊं, अगर मैं मेरा पोर्टफोलियो बताऊं तो मेरा पोर्टफोलियो जिस तरीके से कल डाउन था, ज्यादा डाउन नहीं था, कल मैंने आप लोगों को बताया था जब हम लोग पब्लिकली जब हम लोग जुड़े हुए थे कल दोपहर में, तो 5 से 7% का चल रहा था, उसमें से आज कुछ कवर हो गया है, उसमें से आज कुछ कवर हो गया। तो कैश ही एक ऐसी ट्रेडिंग की ब्रांच है
जहां पर आपको ज्यादा कष्ट नहीं होने पाएगा, ज्यादा कष्ट आपको कैश में नहीं होने पाएगा। तो कैश इज किंग फॉर ऑल टाइम, कैश इज किंग फॉर ऑल टाइम। हाँ, कुछ स्टॉक्स हैं जो थोड़ा सा डाउन हुए हैं, कुछ स्टॉक्स हैं जो थोड़ा सा डाउन हुए हैं, बट उसमें आपको ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। वो आपके धीरे 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 आपके प्रिसाइजली अप हो जाएंगे, जैसे जैसे मार्केट चलेगा प्रिसाइजली अप हो जाएंगे, क्योंकि कोरोना तो चल नहीं रहा है, ऐसा कोई मामला गर्म तो हो नहीं रखा है मार्केट में। ठीक है, आज थोड़ा सा IRCTC डाउन आया है, थोड़ा सा आपका ये देख लेते हैं आपका PC ज्वेलर्स है ना, PC ज्वेलर्स भी आज थोड़ा सा डाउन की तरफ आया है। 15 मिनट का चार्ट है, लेकिन अगर अगर आप वीकली लगा के देखो तो सारा सब कुछ मामला ठीक चल रहा है। ठीक है, सारा सब मामला ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगेन एंट्री का साइन यहाँ पर दिया हुआ था, तो ये सब सारी चीजें हैं। अब अगर किसी की कोई दिक्कत परेशानी हो तो बता सकता है, नहीं दिक्कत परेशानी है तो सेशन को ऑफ करेंगे, अगर दिक्कत परेशानी है तो आप बोल सकते हैं, है ना साहब? बोलिए, मेरे ख्याल से माइक तो खुला ही है सबका। हाँ, माइक खुला है, आप लोग अपना हैंड्स अप भी कर सकते हैं, डायरेक्ट भी बोल सकते हैं। ठीक है जी। हाँ जी प्रमोद सर, नमस्कार सर, नमस्कार सर, गुड इवनिंग, नमस्ते सर। हाँ, IRCTC सर काफी गया था, लेकिन बाद में ठीक ठाक रिकवर भी हो गया फास्ट। हाँ, 927 के आसपास कुछ क्लोज हुआ, 34 तक गया था वो, 934 और 870 तक नीचे चले गए, और बहुत सुपर फास्ट फिर से रिटर्न आ गया। नहीं आएगा सर, ये आएगा, ऐसा कुछ नहीं, आज की मूवमेंट की बात कर रहा हूँ सर। हाँ, मैं अगर आज की ही मूवमेंट आप पकड़ लो ना, देखिए। हाँ जी, आएगा ये, तो आज मुझे 1000 रुपए तो इसी ने दे दिए। तो ये चीज 872 में कुछ भी फिर से एक बार अगेन खरीदी कर लिया। देखिए, सबसे पहली बात तो है गोसाई साहब, आपके माध्यम से मैं लोगों को एक चीज बताना चाहूंगा। सबसे पहले तो ये बात है कि भैया आपको मार्केट को समझना पड़ेगा कि कहाँ निकलना है, कहाँ घुसना है, कहाँ पर आपको अपना ट्रेड पकड़ के बैठना है। मेरा भी तो कल लॉस में चल रहा था, परसों भी लॉस मेरा चल रहा था, मैंने नहीं छोड़ा, मुझे पता था कि हाँ ऐसा हो सकता है, उसमें मैंने अपना लॉस डिफाइन करके रखा है कि हाँ मैं इतना लॉस जब मेरे को स्क्रीन पे दिखना शुरू हो जाएगा तब मैं सोचूंगा कि भैया अब क्या करना, समझ रहे बात को? हाँ जी, जी। तो वो आपको, वो सब चीजें आपको थोड़ा सा नाप कर चलनी पड़ेंगी, नाप कर चलनी पड़े। IRCTC को आप अगर मंथली चार्ट में जाके देख लेंगे, मंथली चार्ट है तो आपको कुछ दिखेगा ही नहीं, कहाँ दिख रहा है, कुछ दिख रहा है मंथली चार्ट, कुछ नहीं दिख रहा, कहाँ से दिखेगा सर? यहीं पर आपको 700 पे दिया है, 700 से 927 चल रहा है, 965 तक गया था, ये चलेगा, ये सर चलेगा, ये थोड़ा सा अभी जनवरी चल रहा है, शांति रख के चलिए, बास्केट के साथ चलिए, सब कुछ ठीक ठाक रहेगा। आप अपने बास्केट कह लीजिए, बाउल कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए, उसके साथ चलिए, सब सही रहेगा, सब सही रहेगा, सब सही रहेगा, है ना? किसी का और ऐसा कोई स्टॉक है जो फंसा है, कोई सज्जन किसी का कोई स्टॉक फंसा हो कि उसको लग रहा हो कि भैया अब मार्केट में अब मेरा क्या होगा, ये तो गड़बड़ हो गया मामला, किसी को ऐसा कुछ लग रहा है? किसी को नहीं लग रहा, बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं लग रहा है तो बहुत अच्छी बात। मेरा तो, मेरा तो अल्लाह का शुक्र से ये है कि भाई दो दिन मार्केट गिरी, लेकिन मेरा तो प्लस में ही था। कौन सा बोल रहे हैं? इंटरडे भी प्लस में ही था, क्योंकि वो पूरा का पूरा बास्केट लगाया हुआ है। हाँ, इंटरडे में भी प्लस में ही था, दोनों दिन जब गिरा भी था तो भी प्लस में ही था। हाँ, बैलेंस आउट हो रहा है। नहीं, अच्छी बात है ना, अगर ऐसा चल रहा है तो बहुत अच्छी बात है, कम से कम समझ में तो आ रहा है लोगों को कि नहीं ऐसे भी होता है, समझ में तो आना चाहिए ना सर कि ऐसे भी होता है। आपको केवल और केवल चार्ट रीडिंग पर भरोसा करके चलना है सर, और कुछ मार्केट में करना ही नहीं है,
चार ट्रेडिंग इज सुप्रीम, इसके अलावा कुछ भी नहीं। चार ट्रेडिंग इज सुप्रीम, बिना चार ट्रेडिंग के सर आप यहाँ पे कुछ भी नहीं कर सकते, एक मूंगफली भी नहीं ले जा सकते बिना चार ट्रेडिंग के, एक बात समझ के रखिएगा। तो जब तक वहां पर आप अपने आप को, चाहे वो बास्केट हो, अब आप ही बताओ सर, चाहे बास्केट हो, चाहे इंट्राडे हो, चाहे पोजिशनल हो, चाहे सिंग हो, चाहे कैश हो, चाहे फ्यूचर एंड ऑप्शन, कुछ भी आप कर रहे हैं, नेचुरल गैस कर रहे हैं, क्रूड ऑयल कर रहे हैं, और आप सिल्वर कर रहे हो, गोल्ड में ट्रेड कर रहे हो, कहीं पर भी कुछ भी कर रहे हो, चार ट्रेडिंग इज सुप्रीम, चार ट्रेडिंग इज सुप्रीम, बिना चार एनालिसिस के कुछ नहीं होना सर, है ना, बिना चार्ट। आपके पास स्क्रीनर है, आपके पास स्कैनर है, चलो आपने 1000 स्टॉक में से 200 स्टॉक छांट लिए, तो बिना चार्ट देखे तो आप, ऐसा तो है नहीं कि आपको जो स्क्रीनर दिया उसी में जाके कूद जा रहे हो, ऐसा तो है भी नहीं। बिना, जब तक आप नहीं देखोगे भैया कौन सा स्टॉक बुलिश फेज में है, कौन सा स्टॉक बियरिश फेज में है, जो बुलिश फेज में है उसमें पोजिशन बनाने लायक है भी या नहीं, जो बुलिश फेज में है उसमें पोजिशन बनाने लायक है या नहीं है, ये भी तो कंसिडर कीजिएगा ना, कि मतलब ऐसे ही मतलब अंधे कुएं में कूद जाएगा आदमी, कम से कम पता तो होनी चाहिए कितनी गहराई है, हाथ पैर टूटेगा या नहीं टूटेगा, चलो हाथ पैर नहीं टूटेगा तो चोट कितनी लगी, इतना तो आप गेज तो करोगे ना सर, जब तक इतना भी नहीं आप गेज करेंगे तब कैसे ट्रेडिंग वेडिंग चल पाएगी सर, बताइए कैसे ट्रेडिंग चलेगी। मैं वही बताता हूँ ना कि किसी भी ट्रेड को लेने के पहले आपके लॉसेस का कैलकुलेशन आपके सामने रखी हुई बुक में होना चाहिए, भैया मैं यहाँ से लॉस कितना ले रहा हूँ, सिंपल। मैं रोज आपको यही एक चीज बताता हूँ, मेरे पास सही में बताऊं मेरे पास और भी कुछ बताने के लिए है ही नहीं, ये स्ट्रेटजी वो स्ट्रेटजी, ऐसा कर लो वैसा कर लो, ये पूजा कर लो वो पाठ कर लो, मेरे पास ऐसा कुछ नहीं है, जितना मेरे को आता है उतना मैं आपको देने की कोशिश करता हूँ, सिंपल सिंपल सी बात है, ज्यादा उसमें ज्ञान की जरूरत नहीं है, इतना ही ज्ञान काफी है कि प्राइस गोज टू एवरेज, एवरेज गोज टू प्राइस, आप इतना कर लो आप सफल हो जाओगे, इसके अलावा मार्केट में कोई ज्ञान नहीं है। इसके अलावा सर मार्केट में अगर कोई कुछ आपको दे रहा है तो आप सोच समझ लो कि आपके साथ क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है, और वो कहां तक जाएगा, उसके हिसाब से आप कहां तक जाओगे, ये चीज है। इसके अलावा मार्केट में कुछ भी नहीं, ये बात आप समझ के रखिएगा, ये आप समझ के रखना। जब तक आप इतना नहीं समझोगे सर तब तक आप छोड़ दो कि मार्केट से आप पैसा निकालोगे, ये सब बातें हैं, थोड़ा सा इन चीजों को समझ के चलिए, समझ लेंगे तो अच्छी बात है, समझ लेंगे तो अपना ही कल्याण करेंगे सर, मेरा क्या है, है ना। तो ये सब सारी चीजें हैं, तो मेरे ख्याल से किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है, और मैं ये सोच रहा था कि मैं अकेले करूं, आप लोगों को एक 10-15 मिनट का वीडियो उठा के मैं डाल दूं, फिर मैंने सोचा चलिए जो लोग अवेलेबल होंगे वो लोग जुड़ ही जाएंगे, तो ये चीज है। तो कल मार्केट में कोशिश करूंगा कल मिलने की, कल फ्राइडे है तो अभी तक तो ऐसा कोई शेड्यूल है नहीं, लेकिन अगर शेड्यूल बनता है रात वात तक तो देखेंगे, नहीं तो अभी तक ऐसा कोई शेड्यूल नहीं है, तो कल की अवेलेबिलिटी है, कोशिश मैं यही करूंगा, क्योंकि आज बहुत सारे लोगों का मैसेज आया कि आप कहाँ हो कहाँ हो, आ जा पाओगे कि नहीं आ जा पाओगे, तो वो वाली बात है, मैंने सोचा चलिए शाम को मिल लेते हैं आधे घंटे के लिए, ठीक है। तो अपना ध्यान रखिए, सीख कर ट्रेडिंग कीजिए सर, बिना सीखे यहाँ पर कल्याण जो है नहीं होने वाला है, तो आपसे हाथ जोड़ के गुजारिश है कि सीख कर ट्रेडिंग कीजिए, समझ लीजिए, ये एक लंबा कैरियर है और बहुत ही प्रॉफिटेबल कैरियर है, बहुत ही दिमाग की शांति वाला कैरियर है, बट उसके लिए आपको करनी पड़ेगी पढ़ाई, जैसे आपने पढ़ाई कोई की है, कोई प्रोफेशनल डिग्री ली है, उसका एग्जाम दिया है, पास किए हैं, फिर उसके बाद जॉब कर रहे हैं, ये सेम वैसे चलेगी, इसके अलावा चलने का कोई रास्ता नहीं है। आपको ये मालूम ही नहीं होना चाहिए कि सूरज पूरब में, आपको बस सही ऑप्शन मालूम होना चाहिए कि सन जो उगता है, सूरज जो उगता है वो पूरब में ही उगता है, बाकी तीनों, बाकी कोई भी ऑप्शन हो वो गलत है, चाहे वेस्ट हो, चाहे साउथ हो, चाहे नॉर्थ हो, बाकी सारे तीन ऑप्शन गलत है, और मैं आपको बार बार उसी तीन ऑप्शन के बारे में बताऊं तो वो आपके लिए गलत है और वो मेरे लिए भी गलत है। आपको तो सही वाला ऑप्शन जानना है सर, कि जहां से आप काम करोगे आपको वो सही ऑप्शन जानना है, तो आपको इतना ही मान के चलना पड़ेगा, और उसकी टेक्निकलिटी
को विश्वास में रख के चलना पड़ेगा कि सूरज पूरब में उगता है, तभी तो आप जाके पूरब देखोगे। अब मैं बोल दूं कि नहीं पश्चिम में नहीं उगता है तो आप रोज जाके पश्चिम में खड़े रहो, इससे मतलब नहीं है। पूरब में आप जाके खड़े हो जाओ 24 घंटे में एक बार तो आप देख ही लोगे। तो इस मेंटालिटी को, इस थॉट प्रोसेस को दिमाग में बैठा के चलिए, इस थॉट प्रोसेस को दिमाग में बैठा के चलिए। क्लियर फंडा है। और कल से मैं कोशिश कर रहा हूं कि कल से मैं YouTube पर भी लाइव रहूंगा साथ साथ में, और आप लोगों को तो मैं लिंक शेयर करूंगा ही करूंगा, क्योंकि लिंक शेयर करने से लोगों का इंटरेक्शन काफी अच्छे तरीके से हो जाता है ना। तो कोशिश कीजिएगा कि लाइव में भी जुड़े, और इधर गूगल मीट पर तो जुड़ ही जाए, लाइव में भी जुड़े, है ना साहब। तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखें। सभी लोगों को नमस्कार, जय हिंद, शुभ रात्रि। थैंक यू सर। ओके सर, टेक केयर सर, बाय बाय।